हेलो गाइस, मैं प्रियल और आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको वो 3 क्वेश्चन कराऊंगी जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। मतलब ज्यादातर यही सवाल, इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है सभी लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जितना ज्यादा हो सके शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आपको कम से कम समय में 1 मिनट के अंदर मैं आपको करवाऊंगी आज 3 सवाल। मात्र 1 मिनट के अंदर हम करेंगे आज के 3 सवाल। देखिए पहला सवाल है आपके सामने, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, आपसे पूछा है ऑड वन आउट। आपको सवाल कैसे करना है, जैसे ही आप सवाल को देखे पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए पहले कि सवाल को कैसे करना है, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, सवाल आपका ये ऑड वन आउट निकालना है। देखो ऑड वन आउट निकालने के लिए जब आपकी संख्या इतनी बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, 6543 4 डिजिट की वैल्यू है, 5432 7654 9856। कैसे करेंगे सवाल को, बहुत आसान है। जब भी आपकी डिजिट बहुत बड़ी होती है तो हम लोग 2-3 लॉजिक फॉलो करते हैं। ये है आपका एक वन टाइप का लॉजिक। क्या देखो, 6 से 1 माइनस हुआ 4, 4 से 1 माइनस हुआ 5, 5 से माइनस हुआ 4, 4 से 1 माइनस हुआ 3, 1 1 माइनस हो रहा है। 5 से गए 4, फिर 3 और फिर 2, 7 से 6, 5 और 4, 6 9 से 8, पर यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 7 आना चाहिए था, यहाँ आपका 7 आना चाहिए था, यहाँ पे 6 आ गया, गड़बड़ यहाँ हो गई। तो ऑड वन आउट हमारा ये हो गया। आई बस उनमें जब आपका इतना बड़ा लॉजिक हो तो एक टाइप का लॉजिक ये है, इसको याद कर लीजिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने है। अगला सवाल है, आपको पूछा हुआ है कि सी के विपरीत क्या आएगा, सी के अपोजिट क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। ये भी बहुत कॉमन सवाल है ओपन डाइस का। किसका? ओपन डाइस का काफी कॉमन सवाल है ये भी आपका। सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी आपका इस प्रकार का सवाल आएगा पहले आप विपरीत निकालोगे। विपरीत कैसे निकालते हैं, कोने वाली संख्या शुरुआत करेंगे, या तो ये कोना ले लो या फिर ये कोना ले लो, कोई भी कोना। डी के विपरीत क्या होगा, एक छोड़ के एक, ई को छोड़ दिया सी ले लिया। बी के विपरीत क्या होगा, एक छोड़ के एक, बी को उठाया और क्या सी को छोड़ा और ई को उठा लिया। ठीक है, बचा क्या ए और एफ, वो एक दूसरे विपरीत हो गए। पूछा क्या है हमसे कि सी के विपरीत क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर एक। हो गया सवाल इतना आसान। सबसे पहले शुरुआत स्टेप नंबर वन ही यही है कि आपको देखना है कौन किसके विपरीत होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक ये वाला सवाल भी है जो आपके एग्जाम में आता है। सवाल देखिएगा, ये सवाल है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, आपसे पूछा है यहाँ पे क्या आएगा। तो कैसे करेंगे सवाल को, बहुत सारे लॉजिक है आपका गोल लाइन में देखते ही आपके दिमाग में 2-3 लॉजिक आएंगे। क्या क्या, 4 से 5 गए, 5 से 6 गए, 6 7 गए, अब 7 से 3 गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। विपरीत देखो, 4 से 1 कम हुआ 3 आ गया, 5 से 4 कम हुए 9 आएगा, 6 से 5 कम हुए 11 आएगा, मतलब गड़बड़ है कुछ। यहाँ 1 कम हुआ, यहाँ पे 4 कम हुआ, यहाँ पे 5 कम हो गया, मतलब कुछ तो लोचा है, ऐसे भी नहीं बैठेगा। तीसरा लॉजिक ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने आधे हिस्से बांट लिया, 7 11 प्लस 9 29, 29 नहीं, 11 प्लस 9 20, 20 और 10 30, नीचे की वैल्यू का सम 20 हो गया, सॉरी 30 हो गया, ये 20 और ये 10। अब देखो ऊपर देखें, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 में कितना जोड़ेगी 30 हो जाएगा, प्लस 15 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो नीचे भी 30 करना था, ऊपर भी 13 करना था, तो क्या होता है आपका 15 को ऐड करेंगे। वही 30 में 30 मार्क्स लेके आने के लिए करना पड़ेगा, नीचे भी 30 ऊपर भी 30, तो 30 30 आपका 15 आएगा आपका आंसर। आई थिंक आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल थे। यही कुछ टाइप के सवाल है जो आपके मेनली एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग कोशिश कैसे करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसको पॉज करेंगे, फिर खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करने के बाद फिर देखें कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, ऐसी वीडियोस में डेली और भी लाती रहूंगी, डेली सुबह 9 बजे आपके सामने वीडियो आया करेगी। आपका केवल 1 से 2 मिनट का समय लिया करूंगी, उसमें डेली मैं आपको 3 क्वेश्चन कराया करूंगी अलग अलग टॉपिक से। आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, देखो इसमें 2 चीज हो जाएंगी, नया कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा प्लस रिविजन भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।